अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम। और हम लोग इस टाइम मरी माल रोड के ऊपर और मरी की माल रोड के ऊपर रश क्राउड का क्या सीन है ये आपको दिखाते हैं। साथ में कुछ आए हैं भाई, इस तरफ से काशिफ आए हैं, इस तरफ से अदील भाई है और इस तरफ आतिफ भाई है और साथ में उस्मान भाई है। पहले इधर चक्कर लगा लें या उधर लगा लें? इधर लगाते हैं तो चक्कर भी लगाते हैं। शॉल वगैरह हमने वैसे रखी है, इतनी सर्दी वगैरह है नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत है निज़ाम तो शॉल रख के आया हूँ। और मरी के अंदर इस टाइम जो है ना एक सही क्राउड है, सही जिसे कहते हैं। मैं आपको कैमरा के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ, आप वो भी देखें पहले और फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, बातचीत हमारी होती रहेगी। लेकिन सबसे पहले क्राउड देखें, फिर वेदर की बात करें, बाकी सारी बातें बाद में, लेकिन सबसे पहले क्राउड। तो नाज़रीन ये रहा क्राउड आपके। तो ये है भैया वो क्राउड ईद का जो आप पूछ रहे थे, ईद की रश का। तो ये देख लो भाई, आपके किधर हो भाई, किधर गायब हो यार? आ जाओ भाई, आ जाओ, साथ साथ चलते हैं। तो इस तरह से माहौल है। जो आप लोग पूछ रहे थे कि भाई मरी के अंदर रश क्राउड होगा नहीं होगा, क्या सीन है, तो देखो भाई अपनी आंखों के ज़रिए से देखो, अपने खुद कानों से सुनो, अपनी आंखों से देखो और फिर यकीन करो। मेरी बात पे यकीन नहीं करो भाई। अच्छा वीडियो पुराने पुराने आसान सामने कर सकते, ठीक है, वो दिया हाथ ना रखना यार। अच्छा बात इस तरह से, ये हमारे साथ उस्मान भाई थे, इनके थोड़ा सा हमने क्या, मैंने कहा चलो फोटो भी हमारे उतार थे बीच में। तो ये है जी रश क्राउड, बहुत ज़्यादा है। ये ब्लर क्यों हो रहा है जी, हिल रहा है कैमरा इस वजह से। तो क्लियर है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप ना करें? खैर आपका कोई मसला तो नहीं है बहुत ज़्यादा है। अगर आप रश क्राउड की बात करेंगे तो भैया बहुत ही ज़्यादा है। और अभी अभी सैटरडे और संडे भी बकाया है भाई, सिर्फ ये नहीं है। ये तो हम लोग अभी इस साइड पे हैं, इस तरफ वैसे भी क्राउड इतना नहीं होता। अभी जीपीओ चौक की तरफ हमने जाना है। अभी जो लोग मार्केट्स के अंदर हैं, जो खाना खा रहे हैं, यानी कि ये सारे बाहर निकल आए, तो भाई हल्ला गुल्ला हो जाना है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे, रश क्राउड बहुत ज़्यादा है, लोगों का एक बड़ा हजूम, एक बड़ा क्राउड, एक बड़ा मॉब, एक बड़ा वबेला, एक बड़ा वफद मरी के अंदर इस टाइम मौजूद है, जो ईद की खुशियां जो है वो मरी के संग मना रहे हैं। और मरी के इस खूबसूरत से मौसम में जो है ना बेशुमार मर्द खवातीन, नौजवान बूढ़े सारे ही मौजूद हैं यहाँ पे, जो ईद में जो है ना रंगारंग हो रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ अगर वेदर की बात की जाए तो इंतहाई खूबसूरत वेदर, यानी कि सर्दी नहीं है। मैंने जैसे शॉल ओढ़ी हुई थी, मैं बाइक के ऊपर आया था, उसमें पता है क्या है, उसमें यह कि हल्का फुल्का जो है फूल के जैसे का, हल्का फुल्का ये आ रहे हैं जी बाकी, उसमें यह है कि हल्का फुल्का फूल के जैसा एक निज़ाम है कि सर्दी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की हल्की हवाएं चलती हैं। बच्चे आपके ये हैं बगैर ये शर्ट्स में घूम रहे हैं, सर्दी वाला माहौल नहीं है। लेकिन जो बंदा चाहे वो शॉल भी ले सकता है, जैकेट ले सकता है, जैसे इन भाई ने जैकेट पहनी है, ये भाई टी शर्ट में घूम रहा है, ये भाई बगैर किसी जो है ना शलवार कमीज़ में है, बगैर किसी स्वेटर्स या जैकेट्स के हैं। तो इसी तरह आप दोस्त भी जो हैं वो आप अपनी बसात पे हैं, अपनी ताकत पे हैं, आप लोग ऐसे घूम फिर सकते हैं और इंतहाई यहाँ पर जो है ना वो लुफ्फानंदोज़ हो सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। और एक लंबी लाइन, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ की, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हाँ मेरा गला ठीक हो गया। और देखें मैं आपको क्या कह रहा था कि वो एक्साइटमेंट के एक्सप्रेशन अगर आप उस चीज़ को इजहार ना कर पाओ तो उनका फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह पाक ने सुनी और मुझे मेरा गला वापस दिया। और इसी के साथ साथ मैं अब आपके साथ जो है वो इजहार यकजहती भी मनाते हुए जा रहा हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक लंबी लाइन है, सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि इससे आगे भी अगर आप चलते जाएंगे, घूमते जाएंगे, मज़ीद आगे जाते जाएंगे, तो एक लंबी लाइन के ज़रिए आप लोग जो है ना इनको ख़वातीन मर्द बूढ़े छोटे सभी दोस्त अहबाब जो यहाँ पे विजिटर टूरिस्ट आए हुए हैं उनको आप देख पाएंगे। इस खूबसूरत से मौसम में बेशुमार खूबसूरत लोग हैं जो यहाँ पर घूम फिर रहे हैं और लुफ्फानंदोज़ हो रहे हैं।
आज मेरी कुछ वर्डिंग चेंज होगी, मेरा अंदाज़ बयान कुछ चेंज हो सकता है, मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं क्योंकि आज माहौल ऐसा है। तो वो मेजर रेगुलर जो मेरा माहौल था, मेरे एक्सप्रेशन थे, मेरे थॉट्स थी, मेरी वो आर्टिकुलेशन थी, उसमें काफ़ी चेंजिंग आई होगी। मैं खुद अभी फील कर रहा हूँ, आप लोग भी बाद में फील करेंगे, लेकिन यह है कि ये आप लोग देखें, मैं एक छोटा सा क्लिप यहाँ तक इसको पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप दोस्त अहबाब कम से कम मरी तो देख पाएँ, और बाकी का जो सीन होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को इंतज़ार रहेगा इस चीज़ का कि यार अभी तक तैयार नहीं, मरी के बारे में पोस्ट नहीं की, तो सबसे पहले ये वीडियो जाए ताकि आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो और आप लोग मरी की जो है वो रश, वो क्राउड, वो माहौल, वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आज 5 मई 2022 को जुमरात की रात को आप जो है वो देख रहे हैं, लोगों का हजूम देखें, गाड़ियों में जा रहे हैं पिंडी पॉइंट की तरफ, कुछ लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जितना भी माहौल है वो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों के ज़रिए से ये सारा मंज़र देखें और फिर हम दोस्त अहबाब जो है ना यहाँ पे कुछ जो है वो थोड़ी सी DSLR के साथ शूटिंग हो जाए डिजिटल कैमरा के साथ, भाई कह रहा तो मैंने कहा चलो भाई लगा लेते हैं, हाँ उनकी कंप्लीट हो जाए तो फिर हमारी होगी स्टार्ट। और कुछ यहाँ पे अभी जो बाहर से हैं वो पहले अपनी कर रहे हैं शूटिंग, उसके बाद हम लोग करेंगे, तो 1-2-3 फ़ोटो कुछ हम लोग भी लगा देंगे अपने यूट्यूब स्क्रीन शॉट के ऊपर और करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं भैया आगे भी। तो सर पिक्स वगैरह भी होगी हमारी, वीडियोस भी हमारी होगी है, अब आगे की जो वीडियो है इंशाल्लाह वो आपको सून अपलोड करेंगे, लेकिन यह है कि वो आराम से अपलोड करेंगे। पहले सबसे पहले आप लोग ये देखें, यहाँ का माहौल देखें, लोगों की खुशी देखें, लोगों के गाने देखें, लोगों की डांस देखें, और फिर जो है बाकी इंशाल्लाह बाद में आपको शेयर करते हैं थोड़ा सा आपको डांस। आप लोग ज़रा ये लोगों का जो है ना वो शुगल मेला देखें, आ जाए जी काशिफ रास जी, आप लोग ये यह है जी लोगों का यहाँ पे शौक, यह है उनका वलवला मरी के बारे में, और यह है कि हम लोग ये अपलोड करते हैं फ़ौरन, खैर बाद में आपके बात की करेंगे, बात ये वाली हो जाए अपलोड तो आप करेंगे क्या याद, तो चलते हैं जी थोड़ी सी ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं, हाज़िर होते हैं।